हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोबारा से आज बैरिस्टर बाबू की सीज़न 2 के बारे में। तो आपको पता ही होगा बैरिस्टर बाबू नए सीज़न के साथ लौटने वाला है, जो कि इस बार कलर्स नहीं कलर्स रिश्ते पे आपको देखने को मिलेगा। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें शो के लीड्स के बारे में बताया था आपको। औरा भटनागर तो रिटर्न करने ही वाली हैं बैरिस्टर बाबू में एज मेन लीड, लेकिन वैष्णवी प्रजापति भी आपको देखने को मिलेंगी इस शो में। तो तीन आपको चाइल्ड एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी, तीसरी कौन है अभी के लिए कंफर्म्ड नहीं है। तो अब हम बात करें एक और एक्टर की, तो गाइस क्रिश चौहान चाइल्ड एक्टर को भी शो के लिए रोप इन कर लिया गया है। इनको पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, बालिका वधू 2 और भी काफ़ी शोज़ में देखा गया है। अब बैरिस्टर बाबू के सीज़न 2 में भी सेंट्रल करेक्टर इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करने वाले हैं, मेन लीड भी हो सकते हैं। पता नहीं जो सीज़न 2 होगा इसकी कहानी किस तरह की होने वाली है। आई मीन काफ़ी सिमिलर तो रहेगी, लेकिन प्रॉपर सेम तो भी नहीं होगी, कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंसेस होने वाले हैं इस सीज़न 2 में। तो क्रिश चौहान का करेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टोरी में, ये क्लियर नहीं है अभी के लिए मेन लीड होंगे या फिर नहीं। और बात करें लॉन्च वगैरह की, तो गाइस अगस्त में ये शो लॉन्च होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो बैरिस्टर बाबू का सीज़न 2 अगस्त में आपको कलर्स रिश्ते पे देखने को मिलने वाला है। अगर सब ठीक हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो जुलाई के एंड में भी देखने को मिल सकता है। इस शो पे जो भी मेजर डिटेल वगैरह आएंगी आप तक पहुँचती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बैरिस्टर बाबू के फैंस के साथ। कमेंट्स में बताइए सीज़न 2 के लिए एक्साइटेड हैं फिर नहीं। बैरिस्टर बाबू और कलर्स की सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।